अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द राइट वे एकेडमी क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर वन दैट इज़ द होम्योस्टेसिस। द स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आपने ऑस्मोरेगुलेशन इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखा था और टू इन्वायरमेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे और आज हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो मेनटेन की जाती है। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो लिसन इट केयरफुली। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो मेरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट थे उनके अंदर इतनी हार्श और क्रिटिकल कंडीशन जो है वो फेस नहीं करना पड़ती जितनी कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, मीन्स के वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी लो इतनी जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होती और हार्श इन्वायरमेंट भी होता है। तो इसके लिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट अडोप्टेशन जो हैं वो अडोप्ट करते हैं। अब अगर हम अडोप्टेशन की बात करें तो इनमें फाइव वेज में जो है वो अडोप्टेशन होती हैं, लाइक उनके स्ट्रक्चरली, मेटाबॉलिकली एंड फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली एंड न्यूट्रिशनली, और लास्ट पे जो एक टर्म है एनहाइड्रोबियोसिस। अब इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे किस तरह से ये स्ट्रक्चरली, मेटाबॉलिकली एंड फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली और न्यूट्रिशनली जो है वो अपने आप को अडोप्ट करते हैं टू मेनटेन द ऑस्मोरेगुलेशन। अब अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो इनमें हमारे पास अगर आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके जो बॉडी होती है उनके ऊपर जो है वो शेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो कि बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही होती है ताकि जो वाटर का लॉस है उसको प्रिवेंट कर सकें। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें डेड क्रिएटिनाइज्ड मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट फोल्ड्स के साथ होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती हैं ताकि उनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो। अगर हम इनके एग्जांपल लेके इनमें रिप्टाइल्स आ जाते हैं, इसमें जो है वो एग्जांपल आ जाती है लिजर्ड की, और इसी तरह हमारे पास स्नेक्स आ जाते हैं, तो इस तरह हमारे पास रिप्टाइल्स के इनमें जो है वो स्ट्रक्चरली अडोप्टेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिकली किस तरह से अडोप्ट होते हैं, तो मेटाबॉलिकली अडोप्ट होने से मुराद है कि वो ऐसा फूड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लेके जाते हैं कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स के आगे से थ्री टाइप्स हैं, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड डायसेक्राइड्स। अब वो ऐसा फूड गेन करते हैं जिनके अंदर मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट हों ताकि उनकी ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा इजीली हो सके और उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो हमारी बॉडी में इजीली हो। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर टू ग्लूकोज हो तो वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। अब ये जो वाटर है ये मेटाबॉलिक वाटर होता है जिसको वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजिकली अडोप्टेशंस। अगर हम फिजियोलॉजिकल अडोप्टेशंस के बारे में बात करें तो ये फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके अंदर जो किडनीज होती हैं वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट किया जाए, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर अडोप्टेशंस। अब यहाँ पे जो बिहेवियरल अडोप्टेशंस हैं इनमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ती है, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नक्टर्नल्स हों। अब नक्टर्नल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन के टाइम कम से कम निकलते हैं और रात टाइम जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, अवॉइड डे टाइम एक्सपायर नक्टर्नल्स होते हैं। इनमें हमारे पास अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो ह्यूमंस में देखें कि अगर हम रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमने रोज़ा रखा होता है जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करना पड़ती है, तो इसलिए हम बिहेवियरल अडोप्टेशंस टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन जो हैं वो अडोप्ट करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास अडोप्टेशन आ जाती है न्यूट्रिशनल अडोप्टेशन से मुराद है कि वो ऐसा फूड गेन करते हैं जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो। अब मॉइस्चर लाइक अगर हम सीड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सीड को इनटेक करते हैं, उनमें हमारे पास कैंगरू रैट आ जाते हैं जो न्यूट्रिशनल अडोप्टेशन को अडोप्ट करते हुए
मॉइस्चर एज अ सीड जो है वो इनटेक करते हैं। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हमने ये फाइव जो एडाप्टेशंस हैं वो डिस्कस कर लिए, जो हमारे पास टर्म थी एनहाइड्रोबियोसिस। अब एनहाइड्रोबियोसिस के बारे में अगर बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि कॉम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का। इसकी हम रीज़न ऑफ नेमिंग देखें तो ये थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसका एन का मतलब होता है विदाउट एंड हाइड्रो मीन्स वाटर एंड बियोसिस मीन लाइफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें आ जाता है कि टॉलरेंस अगेंस्ट द डिहाइड्रेशन मीन्स टू से दैट कि जो वाटर लॉस होने में टॉलरेंस इसको फेस करना पड़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, उस कंडीशन को हम एनहाइड्रोबियोसिस कहेंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस की, जो कि हमारी बॉडी में किडनी जो है वो ये एनहाइड्रोबियोसिस कंडीशन को परफॉर्म कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे जो हमने पूरा पीछे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए एडॉप्टेशंस पढ़ी हैं वो सारी एनहाइड्रोबियोसिस ही तो हैं, क्योंकि उनको टॉलरेंस फेस करना पड़ती है अगेंस्ट द डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए जितनी भी एडॉप्टेशंस अडॉप्ट करना पड़ती हैं टू मेनटेन द ऑस्मोरेगुलेटरी कंडीशंस इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इन द डिफरेंट वेज लाइक स्ट्रक्चरली मेटाबॉलिकली बिहेवियरल एक्सेट्रॉज, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनको अडॉप्ट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें इन अ बेटर वे इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने आज के लिए जो है देखा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में किस तरह से ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स आज के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।